सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड इस वीडियो आपको प्रो कबड्डी को लेके टॉप 5 अपडेट्स बताने वाला हूँ। एंड जो पांचों अपडेट से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, बिना देरी के एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑफिशियली शेड्यूल आ चुका है। आपने शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट जाके देख सकते हो, उसमें मैंने प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑफिशियली शेड्यूल बता दिया है। आप में से ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर्स ने प्रो कबड्डी सीजन 8 का शेड्यूल जान लिया है। शेड्यूल आने के बाद पीकेएल को लेकर कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट्स निकल के आई है। एंड यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में भी ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि किस हिसाब का फॉर्मेट होने वाला है, दो हाफ किस हिसाब से होने वाले, प्लेयर्स कैसे ट्रेवल करेंगे, सभी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। तो जो दोनों ही वीडियोज है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस, सबसे पहले अपडेट पुनरी पलटन को लेके आया है। अब यहाँ पे शेड्यूल आने के जस्ट 5-6 घंटे बाद ही पुनरी पलटन की टीम ने अपना कैप्टन एंड साथ ही साथ वाइस कैप्टन भी अनाउंस कर दिया है। अब जो कैप्टन है वो यहाँ पे पुनेडी पलटन का सीजन 8 के लिए नितिन तोमर रहने वाले हैं। एंड वहीं पे पुनेडी पलटन के वाइस कैप्टन रहने वाले हैं विशाल भारद्वाज। नितिन तोमर एंड विशाल भारद्वाज दोनों ही टीम्स को संभालेंगे। एंड राहुल चौधरी भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे नितिन तोमर मेरे हिसाब से सही डिसीजन था। एंड आपका कह रहा है इसके बारे में एक बार आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं दूसरी अपडेट की। तो कैसे अभी दूसरा अपडेट पटना पायरेट्स को लेके आया है। यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम ने भी अपना ऑफिशियली कैप्टन अनाउंस कर दिया है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सीजन 8 के लिए पटना पायरेट्स का कैप्टन प्रशांत कुमार राय रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत कुमार राय को यहाँ पे कप्तान बनाया गया है। एंड इस पर ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया, बताई दिया अपडेट, लेकिन यहाँ पे कैप्टन के अपडेट्स आए तो मैंने सोचा यहाँ पे आपको पटना पायरेट्स का भी कैप्टन का बता दूँ। बिकॉज यहाँ पे कुछ नए व्यूअर्स भी हो गए जो यहाँ पे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो गाइस मैं आपको बता दूँ अभी तक ऑफिशियली पटना पायरेट्स की टीम ने एंड वहीं पे पुनरी पलटन की टीम ने अपना कप्तान अनाउंस कर दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं तीसरी अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे तीसरा अपडेट तेलुगु टाइटन्स को लेके आया है। एंड ये जो एपिसोड है बिल्कुल कैप्टन के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है, बिकॉज तीसरा अपडेट भी कप्तानी को लेके आया है। तेलुगु टाइटन्स की टीम अपना कप्तान बहुत ही जल्दी अनाउंस कर देने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है जहां पे लिखा है कि गेस द कैप्टन। एंड यहाँ पे आपको 5 प्लेयर्स देखने को मिल जा रहे, जहां पे आपको सिद्धार्थ देसाई देखने को मिल जाएगी, रोहित कुमार देखने को मिल जाएगी, ऋतुराज कोरावी देखने को मिल जाएगी एंड प्लेयर्स और भी देखने को मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है रोहित कुमार एंड सिद्धार्थ देसाई इन दो में से कोई एक प्लेयर हमें कैप्टन देखने को मिल सकता है। अगर आप तेलुगु टाइटन्स के फैंस हैं तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेयर परफेक्ट रहने वाला है तेलुगु टाइटन्स के कप्तान के लिए, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलो इस बात करते हैं चौथे बड़ी अपडेट की। तो गाइस हमें चौथा बड़ा अपडेट ट्रिपल हेडर के शेड्यूल को लेके आया है। अब गाइस जैसे कि आपको पता है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में हमें पहली बार ट्रिपल हेडर यानी कि ट्रिपल पंगा देखने को मिलेगा। एंड इसमें कुछ एक्साइटिंग चीजें मैं आपको बता दूं, शुरुआत के 4 दिन हमें ट्रिपल हेडर्स के मैचेस देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज बाकी सब दिन हमें दो ही मैचेस देखने को मिलेंगे। डबल हेडर्स मैच होने वाले एंड एक भी दिन गैप नहीं होगा, बैक टू बैक मैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड सैटरडे के दिन आपको ट्रिपल हेडर्स के मैचेस देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको डेट्स बता दूं ताकि आप मार कर लो, बिकॉज यहाँ पे जिस दिन ट्रिपल हेडर हो गए उस दिन आपको शाम के 7:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक मैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस जो डेट है वो यहाँ पे 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एंड 25 दिसंबर, ये डेट्स रहने वाले दिसंबर के मंथ के लिए। एंड वहीं पे जनवरी के मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा 1 जनवरी, 8 जनवरी एंड 15 जनवरी। जनवरी के मंथ में आपको 3 दिन देखने को मिल जाएगा जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि टोटल 7 दिन ऐसे होने वाले पहले हाफ में, जिस दिन आपको एक दिन में टोटल 3 मैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो जो यहाँ पे जो भी ट्रिपल हेडर के लिए एक्साइटेड है डेट्स को यहाँ पे मार्क कर लीजिए। एंड उस दिन कौन से टीम्स के मैचेस हो गए वो यहाँ पे आप प्रो कबड्डी के ऐप पे जाके देख सकते हैं, प्रो कबड्डी के सोशल हैंडल्स पे भी जाके देख ही सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैं टीम्स का नाम भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो चलो बात करते हैं पांचवी अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको युम्बा का पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ जो यहाँ पे सीजन 8 के पहले हाफ के लिए रहने वाले। एंड यहाँ पे आने वाले कबड्डी टॉक्स के एपिसोड में मैं आपको और भी सारे टीम्स का शेड्यूल बता देने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले युम्बा का शेड्यूल के बारे में जान ले। तो गाइस यहाँ पे युम्बा का पहला मैच हमें 22 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। सेकंड मैच होने वाला है दबंग दिल्ली के खिलाफ जो यहाँ पे 24 दिसंबर 7:30 बजे खेला जाएगा। जो तीसरा मैच है वो यहाँ पे तमिल थलाइवस के खिलाफ होने वाला है जो यहाँ पे 27 दिसंबर को होगा, 7:30 बजे मैच होने वाला है। एंड उसका अगला मैच यहाँ पे युम्बा की टीम जयपुर पैंथर्स के खिलाफ खेलेगी 30 दिसंबर
को, एंड जो मैच है वो यहाँ पे 7:30 बजे होने वाला है। देन दोस्तों यहाँ पे अगला मैच युवा की टीम यूपी योद्धा के खिलाफ खेलने वाली है 1 जनवरी को, एंड जो मैच है वो यहाँ पे 7:30 बजे स्टार्ट हो जाने वाला है। एंड जो अगला मैच है वो यहाँ पे युवा की टीम हरियाणा सिलर्स के खिलाफ खेलने वाली है 4 जनवरी को, एंड जो मैच है वो यहाँ पे 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगला मैच युवा की टीम तेलुगु टाइटन्स के खिलाफ खेलने वाली है, एंड जो ये मैच है वो यहाँ पे 8 जनवरी को खेला जाएगा, एंड जो ये मैच है वो यहाँ पे 8:30 बजे होने वाला है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे जो अगला मैच है वो यहाँ पे युवा का पटना पायरेट्स के खिलाफ है, जो यहाँ पे 11 जनवरी को खेला जाएगा, 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे युवा का अगला मैच होने वाला है पुणे डी पल्टन के खिलाफ, 13 जनवरी को मैच होने वाला है, एंड जो ये मैच है वो यहाँ पे 8:30 बजे खेला जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे युवा की टीम बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ खेलेगी, जो यहाँ पे 15 जनवरी को मैच होगा, एंड जो ये मैच है वो यहाँ पे 9:30 बजे खेला जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे फाइनल मैच यहाँ पे युवा का गुजरात जैंग्स के खिलाफ खेलने वाले हैं, जो यहाँ पे 18 जनवरी को होगा, जो मैच है वो यहाँ पे 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो गाइस पहले हाफ में युवा की टीम टोटल 11 मैचेस खेलने वाली, एंड सभी टीम्स के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी, एंड ज्यादातर मैचेस युवा के 7:30 बजे ही रहने वाले, यानी कि जो भी युवा के फैंस है वो यहाँ पे 7:30 बजे रेडी हो जाए, बिकॉज यहाँ पे बैक टू बैक आपको युवा के मैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा कौन सा अपडेट आपको सबसे बढ़िया लगा, एंड वीडियो कहीं पैन करते हैं आपको थोड़ी पसंद आए इसको को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नेडो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग घोड़े के साथ, तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।